हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है, क्या हाल है, क्या हाल है। आई होप यू आर ऑल डूइंग रियली रियली वेल। सर, इस वीडियो में मैं आया हूँ आप लोगों के साथ इस बार का NTP 1 डिस्कस करने के लिए। मुझे पता है आप लोगों के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तो एकदम स्पीड में मैं वही क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा जो आप लोगों के लिए एकदम रिलेवेंट है। आप लोगों को कैसे देखना है ये वीडियो चलाइए मेरे साथ। जो मैं आपको रीड करने बोलूंगा वो रीड कीजिए फटाफट, और उसके बाद उसका रेस्पेक्टिव क्वेश्चन देखिए, आंसर देखिए और आगे बढ़िए। जो जो क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो रहे हैं उसको बस देख देख करके आगे बढ़ जाइए। जो क्वेश्चन एकदम ही सॉल्व नहीं हो रहे उसका जाकर के आंसर पढ़ के अगर उसको मार्क करना है तो अपने हिसाब से मार्क कर लिए दैट कर लीजिए। दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू गो अबाउट दिस MTP। ऑल राइट, तो सर ये आपका पहला MTP है जो नवम्बर 2022 के लिए आया है, और अच्छा MTP है मैं कहूंगा। निधि कंपनी के अमेंडमेंट वाले पे भी इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, तो पहले सर एक बार MCQ देख हैं। पहला वाला MCQ जो है वो वाला एक बार रीड करते हैं। आपको ये पूरा केस स्टडी रीड करना पड़ेगा आंसर सॉल्व करने के लिए, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा एक बार पॉज करो और ये केस स्टडी रीड कर लो फटाफट। ठीक है, आ जाओ सर। यहां पे क्वेश्चन पूछा है, हु अमंग्स द फॉलोइंग शैल नॉट बी प्रोहिबिटेड फ्रॉम एक्सेप्टिंग फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन। किसको तुम नहीं रोक सकते, पहले मेरे को ये बताओ, मनित को रोक सकते हो क्या? सर मनित एक इंडियन है जो अभी पढ़ के बाहर गया है, बाहर जाने वाला है, तो मनित को रोक सकते हैं क्या? देखते हैं। मिस्टर श्याम बींग अ कैंडिडेटर फॉर कमिंग इलेक्शन, हाँ तुम पॉलिटिक्स से रिलेट हो गए, तुमको रोक सकते हैं। मिस्टर श्याम मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर, हाँ। मिस्टर राम बींग अ गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव, हाँ। ये तीनों को रोक सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मनित को प्रोहिबिट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन ए मनित। उसके बाद क्या है सर, मनित कलेक्टेड फंड्स ऑन बिहाफ ऑफ हिज फादर फॉर द फोर्थ कमिंग इलेक्शन। आपने किसी से पैसे लिए अपने पॉलिटिकल पापा के लिए, क्या ये वैलिड है? नहीं सर, आप बिल्कुल भी किसी पॉलिटिकल पार्टी के बिहाफ में फंड्स नहीं कलेक्ट कर सकते। विच ही रेमिटेड टू इंडिया, वेदर इट इज परमिसिबल? नो, इट इज नॉट एट ऑल परमिसिबल। तो आंसर सर येस, नो, येस येस दिख रहा है, आंसर सिर्फ एक ही नो है, नो, एज मनित इज कलेक्टिंग द मनी इन USD एज अ फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर द इलेक्शन ऑफ हिज फादर, इट इज प्रोहिबिटेड। आप इलेक्शन के लिए पैसे नहीं कलेक्ट कर सकते, आप डायरेक्टली भी नहीं कर सकते, इनडायरेक्टली भी नहीं कर सकते। यहाँ पे जो उसके पापा है वो मनित के थ्रू इनडायरेक्टली कनेक्ट कर रहे हैं, ऐसा अलाउड नहीं है। उसके बाद क्या लिखा है सर, मनित्स आंट रिसाइडिंग इन US सेंट $100,000 टू मिस्टर श्यामलाल। ठीक है सर, माना कि श्यामलाल मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर है, पर रिलेटिव को एक्सेप्शन होता है, रिलेटिव अगर चाहे तो पैसे दे सकता है। वेदर श्यामलाल कैन रिसीव फॉरन कॉन्ट्रीब्यूशन, नो, नहीं सर, यस, सब्जेक्ट टू प्रायर अप्रूवल ऑफ RBI, नहीं, यस, सब्जेक्ट टू प्रायर अप्रूवल ऑफ ED, नहीं, यस, फॉरेन कंट्रीब्यूशन फ्रॉम अ रिलेटिव इज परमिसिबल, यस सर, आपका आंसर डी होगा, फॉरेन कंट्रीब्यूशन जो है वो आपके रिलेटिव से परमिसिबल है, आपको किसी का परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सिर्फ इसीलिए क्योंकि जो आंट है वो कौन है, मिस्टर श्याम की बहन है। ठीक है, समझे, पक्का, आगे बढ़े। ओके सर, वाइल ऑन अ विजिट विद मिस्टर राम, श्यामलाल अवेल्ड हॉस्पिटैलिटी फ्रॉम द ट्रांसपोर्ट कंपनी, विच वेदर सच एक्टिविटी शेल बी परमिटेड। अगर तुम बाहर गए हो राम के साथ, राम के साथ श्याम भी गया है, तो श्याम क्या पॉलिटिकल फॉरेन हॉस्पिटैलिटी ले सकता है? सर श्याम गया है, लेकिन श्याम जो है वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर है, अगर उसको फॉरेन हॉस्पिटैलिटी लेना है उसको प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा, उसको प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट का, अप्रूवल लेने के बाद ही वो फॉरेन हॉस्पिटैलिटी ले सकता है। तो इस केस में आंसर क्या हो जाएगा, इस केस में आंसर हो जाएगा डी, श्यामलाल। पहला ऑप्शन क्या है सर, श्यामलाल हैज नॉट एक्सेप्टेड कैश एंड द हॉस्पिटैलिटी वॉज इन काइंड सो इट इज परमिसिबल, नहीं भैया परमिसिबल तो नहीं है। दूसरा, श्यामलाल बीइंग अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शुड नॉट अवेल द हॉस्पिटैलिटी एज इट इज प्रोहिबिटेड। सर फॉरेन हॉस्पिटैलिटी प्रोहिबिटेड नहीं है, आपको बस परमिशन लेना पड़ेगा। उसके बाद श्यामलाल कैन एंजॉय द US टूर सिंस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंड हिम देयर, बिल्कुल भी नहीं सर, आप फॉरेन हॉस्पिटैलिटी ले रहे हो तो फॉरेन हॉस्पिटैलिटी लेने के लिए आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रायर परमिशन लेना पड़ेगा, उसके बाद ही फॉरेन हॉस्पिटैलिटी ले सकते हो। बात समझ में आई सर, आगे बढ़े। यस, एक बार प्लीज केस स्टडी टू पढ़ लो, प्लीज एक बार केस स्टडी टू पढ़ लो, पॉज करो, प्ले, अब मेरी बात सुनो सर। स्टेट इन विच ऑफ द फॉलोइंग बिजनेस शुभ लाभ लिमिटेड कैन बी एंगेज। सर पूरा निधि कंपनी पे क्वेश्चन है, निधि कंपनी कौन सा बिजनेस कर सकती है, क्या वो पार्टनरशिप अरेंजमेंट में एंटर कर सकती है फॉर बोरिंग एंड लेंडिंग एक्टिविटीज, बिल्कुल भी नहीं। क्या आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन रेज कर सकते हो, बिल्कुल भी नहीं, आप सिर्फ अपने मेंबर से पैसा ले सकते हो और उनको पैसा दे सकते हो। बिजनेस ऑफ बोरिंग और लेंडिंग इन इट्स ओन नेम, जी हाँ सर, आप ये काम कर सकते हो, बिजनेस ऑफ बोरिंग और लेंडिंग इन इट्स ओन नेम। कैरिंग ऑन बिजनेस ऑफ लीजिंग फाइनेंस, नहीं सर, लीजिंग फाइनेंस तो स्ट्रेट अवे क्या है, प्रोहिबिटेड है। आपको अगर याद होगा, आप इस बिजनेस के अलावा, आप अपने नाम पे बिजनेस करने के अलावा कोई भी और बिजनेस नहीं कर सकते, ये उसी पॉइंट को कवर कर रहा है, ये उसी पॉइंट को कवर कर रहा है, दैट यू कैन डू द बिजनेस ऑफ बोरिंग और लेंडिंग बट ओनली इन योर ओन नेम, उसके अलावा कोई भी और बिजनेस ऑफ लेंडिंग एंड बोरिंग नहीं कर सकते आप।
Sir, by what time Shubh Labh Limited is required to ensure that it reaches at least 200 members? अब मेरी बात सुनो सर, ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है 31 जुलाई 2022 को, और हमारा जो निधि रूल्स 2022 नया वाला था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो 19 अप्रैल को आ गया था। तो 19 अप्रैल के बाद जो भी निधि कंपनी इनकॉर्पोरेट हुए हैं उनको नया वाला रूल एप्लीकेबल होगा। जिनको नया वाला रूल एप्लीकेबल होता है उनको इनकॉर्पोरेशन के 120 डेज के अंदर एक NDH-4 फाइल करना होता है, और NDH-4 फाइल करते वक्त उनको ये बताना होता है कि हमारा नंबर ऑफ मेंबर्स है वो 200 तक पहुंच गया है। तो सर आपको 200 मेंबर कितने समय में पहुंचाना होगा? 120 डेज के अंदर। तो 31 जुलाई से आप ऐड करोगे 120 डेज, पर इंस्टीट्यूट ने अपने आंसर में ये नहीं कर रखा है। इंस्टीट्यूट ने अपने आंसर में क्या कर रखा है मेरे को नहीं पता। उसने 4 ऑप्शन दे रखा है, December 22, March 23, April 23, July 23। मेरे को नहीं पता उन्होंने अपना आंसर टिक कर रखा है 31 मार्च 2023, एंड आई एम नॉट श्योर वाई इंस्टीट्यूट हैज डन इट। इफ यू हैव रेड एनी अमेंडमेंट व्हिच आई एम मिसिंग देन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट। बट इफ आई वर, जितना मैंने चेक किया, जितना मैंने समझा है, आपका ये जो प्रोविजन है ना, 120 दिन के अंदर आपको कंप्लाई करना होगा। 200 मेंबर जो है आपको 120 दिन के अंदर लाना पड़ेगा। तो 31 जुलाई से 120 दिन जोड़ लो, तो ऑगस्ट का 31 डेज, सेप्टेम्बर, अक्टूबर और नवंबर का कितना हो जाएगा? 28 डेज हो जाएगा। तो आपको 28 नवंबर तक क्या करना पड़ेगा? कंप्लाइंस करना पड़ेगा। ये मेरे हिसाब से प्रोविजन है, मैंने बेर एक्ट वगैरह पूरा खोल के चेक किया। सर अगर एग्जाम में क्या आएगा तो क्या करें? अगर एग्जाम में डिट्टो सेम क्वेश्चन आ जाएगा ना, तो चुपचाप 31 मार्च मार्क करके आ जाना, अगर डिट्टो सेम क्वेश्चन आ जाएगा, वरना तुम लॉजिक पे टिके रहना। अगर तुमको इसका कोई और लॉजिक पता है आंसर का, तो प्लीज जरा कमेंट पे बताइए, तो इससे बाकी लोगों का भी भला हो जाएगा। उसके बाद सर सुनो, नेट ऑन फंड अगर 15 लाख का है और डिपॉजिट जो है वो 375 लाख का है, तो क्या होना चाहिए रेशियो नेट ऑन फंड से डिपॉजिट का? सर ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, हमको पता है नेट ऑन फंड से डिपॉजिट का रेशियो 1:20 का रहता है। ठीक है सर, व्हाट शैल बी द मिनिमम पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल रिक्वायरमेंट? ये देखो सर, अमेंडमेंट पे क्वेश्चन आ गया, मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल कितना हो गया अभी? 10 लाख रुपए। पहले 5 लाख हुआ करते थे। उसके बाद शुभ लाख शेल नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट एक्सीडिंग 20 टाइम्स ऑफ इट्स नेट ओन फंड। हाँ सर, हमको पता है नेट ओन फंड इज टू डिपॉजिट का लिमिट 20 होना चाहिए, 20 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। नॉट एक्सीडिंग 20 टाइम्स नहीं सर, नॉट लेस देन 20 टाइम्स नहीं सर, मोर देन 25 टाइम्स नहीं। आपका लिमिट क्या है? ए, द इट शुड नॉट एक्सीड 20 टाइम्स, 20 टाइम्स एक्सीड नहीं होना चाहिए। आंसर हो गया ए, समझे? सर आगे अपन एमसीक्यू करने वाले हैं, आप क्या करो, एक एक सॉल्व करो। अगर आपसे होता जा रहे हैं तो आगे बढ़ाते जाओ वीडियो को, एक एक सॉल्व करके आगे बढ़ाते जाओ सर। ठीक है, ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बताओ, क्वेश्चन नंबर 10। सर क्या बोल रहे हैं मेरे को, छोड़ो क्वेश्चन नहीं करेंगे। मैं आपको पूछता हूं, अल्टरनेट डायरेक्टर का प्रोविजन याद है? सेक्शन 161 सबसेक्शन 2। मेरे को एक सिंपल सी बात बताओ, अल्टरनेट डायरेक्टर कौन अपॉइंट करता है? जो ओरिजिनल डायरेक्टर बाहर जा रहे हैं वो अपॉइंट करता है कि कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करता है? सर अल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट करने का पावर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को है, ओरिजिनल डायरेक्टर को कोई राइट नहीं है, उसी पे ये प्रोविजन है। सर आपको इसके आगे करने की जरूरत नहीं है, प्लीज आगे बढ़ो। उसके बाद सर एक बात बताओ मेरे को, सिंपल सा मैं आपको प्रोविजन याद करवाता हूं। अगर एनसीएलटी ने अपना कोई ऑर्डर दे दिया और एनसीएलटी के ऑर्डर में कोई मिस्टेक अपेरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड निकली और ये उसके नोटिस में लाया गया, तो कितने साल के अंदर एनसीएलटी अपने ऑर्डर को रिवाइज कर सकता है? याद करो सर, एनसीएलटी अपने ऑर्डर को 2 साल के अंदर अंदर रिवाइज कर सकता है, अगर मिस्टेक अपेरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड है। तो सर यहाँ पे वही हुआ है, ये जो एनसीएलटी ने ऑर्डर दिया, शेयर होल्डर ने एनसीएलटी के नोटिस में लाया कि आपने कोई मिस्टेक अपेरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड किया है, तो वो कितना टाइम में रेक्टिफाई कर सकता है? सर ये देखो, ऑप्शन नंबर 3, एनसीएलटी कैन अमेंड इट्स ऑर्डर टू रेक्टिफाई एनी मिस्टेक अपेरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड व्हेन सच मिस्टेक इज ब्रॉट टू इट्स नोटिस बाय द पार्टीज, एंड फर्दर द ऑर्डर कैन बी अमेंडेड बाय एनसीएलटी एट एनी टाइम विद इन 2 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ सच ऑर्डर, प्रोवाइडेड उसके अगेंस्ट कोई अपील नहीं हुआ है। अगर अपील नहीं हुआ है तो 2 साल के अंदर आप अपने ऑर्डर को अमेंड कर सकते हो, उसी पे पूरा प्रोविजन है सर। समझ गए? समझ गए, बोलो हाँ कि नहीं? हाँ सर, आगे बढ़ते हैं। अब सर मेरे को एक बात बताओ, सर एक सिंपल सी बात बताओ, अगर एक मैनेजर अपॉइंट हुआ है, क्या मैनेजर को वापस रीअपॉइंट कर सकते हैं? हाँ सर, मैनेजर को वापस रीअपॉइंट कर सकते हैं, लेकिन एक प्रोविजन था, याद करो, अगर एक मैनेजर अपॉइंट हुआ है 5 साल के लिए, तो जब उसका टेन्योर खत्म होने वाला है ना, तो टेन्योर खत्म होने के मैक्सिमम 1 साल पहले उसको रीअपॉइंट करना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि टेन्योर खत्म होने के 2 साल पहले, 3 साल पहले उसको रीअपॉइंट करके बैठ गए हो। तो अगर एक मैनेजर अपॉइंट हुआ है 20 जून 2017, कितने साल के लिए? 5 साल के लिए, तो उसका टेन्योर कब खत्म होगा? उसका 20 जून 2000
22 को टेन्योर खत्म हो गया, 19 जून मान लो, तो आप इसके एक साल पहले तक, एक साल पहले मतलब क्या 20 जून 2022 के बाद ही इसको क्या करना, के बाद ही इसका रीअपॉइंटमेंट करना। तो सर ये क्वेश्चन उसी पे है, एक बार क्वेश्चन पढ़ के आंसर सॉल्व कर लो। सर ये बोल रहे हैं कि अगर 20 जून 2017 को अगर एक कंपनी में मैनेजर अपॉइंट हुआ है तो वो रीअपॉइंट कब हो सकता है, ये चारों में से कौन सा डेट सही है? सर देखो 2020 की तो बात ही मत करना, 2021 में ये फरवरी आ गया, गलत है। आप 2021 में जून 24 को उसको रीअपॉइंट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि उसके लास्ट डे के मैक्सिमम एक साल पहले रीअपॉइंट करना, उससे ज्यादा पहले रीअपॉइंट मत करना, समझे सर? सर अब ये क्वेश्चन नंबर 13 है जिसमें बहुत कंफ्यूजन हो रहा है बच्चों को। क्वेश्चन नंबर 13 सर सुनो ना, सेबी में आपका एक रेगुलेशन है एलओडीआर में कि अगर आप बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट वगैरह या इस तरह की कोई चीजें किसी बोर्ड मीटिंग में चेंज करने वाले हो तो वो बोर्ड मीटिंग के बारे में आपको 11 वर्किंग डेज पहले इंटीमेट करना होता है। किसको? सेबी को। सेबी को आपको 11 वर्किंग डेज पहले और रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज को 11 वर्किंग डेज पहले इंटीमेट करना होता है अगर आप अपना बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हो, कम कर रहे हो या इस तरह का कोई बॉन्ड या डिबेंचर में छेड़छाड़ कर रहे हो। यहाँ पे सर क्वेश्चन में क्या हुआ है, एक कंपनी है जो अपने बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट बढ़ा रही है और कब बढ़ाने वाली है, 14th जुलाई को एक मीटिंग करने वाली है, उसमें बढ़ाने वाली है, उसके बारे में आप रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज को इंटीमेशन कब दोगे? सर लॉ में लिखा है कि रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज को इंटीमेशन आप 11 वर्किंग डेज पहले दोगे। कितने समय पहले दोगे? 11 वर्किंग डेज पहले दोगे। तो 14th जुलाई को अगर मीटिंग है तो उसके 11 वर्किंग डेज पहले क्या होता है, 3rd जुलाई होता है। अब सुनो हम लोग हर जगह क्या करते हैं, डेट ऑफ मीटिंग एंड डेट ऑफ इंटीमेशन को एक्सक्लूड करते हैं, पर यहाँ पे जो 11 वर्किंग डेज वाला प्रोविजन है ना, वहां पे डेट ऑफ इंटीमेशन और डेट ऑफ मीटिंग को एक्सक्लूड नहीं करना है, रेगुलेशन में ऐसा नहीं लिखा है। दूसरी चीज, मेरी बात ध्यान से सुनो सर, 11 वर्किंग डेज लिखा है तो वर्किंग डेज में कायदे से आपको कुछ डेट्स एक्सक्लूड करने पड़ेंगे, बट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंफॉर्मेशन वी विल नॉट गो इनटू दैट जोन, वी विल टेक अवे ऑल द, वी विल कंसीडर ऑल द डेज एज वर्किंग डेज और हम 11 वर्किंग डेज को सीधा 11 डेज काउंट करेंगे। क्या आपको मेरी बात समझ आई? सर ये क्वेश्चन अभी तक 3 बार आ चुका है, एक बार आपके आईसीआई बुकलेट में है, एक एमपीपी में भी आ चुका है और एक आरटीपी में भी आ चुका है, तो ये 3 बार आ चुका है अभी तक और आंसर हमेशा इन्होंने यही डाला है, बी। समझे? आगे बढ़े सर। ओके सर मेरे को एक बात बताओ, एवरी पिटीशन फाइल बिफोर ट्राइब्यूनल शैल बी डिस्पोज विद इन, ट्राइब्यूनल के पास जो पिटीशन जाएगा कितने समय में डिस्पोज करेगा? याद करो सेक्शन 422, आपको 3 महीने के अंदर डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा, 3 महीने के अंदर डिस्पोज ऑफ करने का पूरी कोशिश करोगे तो सर 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स प्रेजेंटेशन। उसके बाद सर मेरे को एक बात बताओ, ट्रायल ऑफ एन ऑफेंस अंडर द कंपनीज एक्ट बाय स्पेशल कोर्ट शैल बी ऑफ सच ऑफेंस, सर स्पेशल कोर्ट के सामने कौन से ऑफेंस का ट्रायल जाएगा? वो ऑफेंस जो मेरे को बताओ ना, विच इज पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट नॉट एक्सीडिंग 3 साल, जो 3 साल से कम का ऑफेंस है सिर्फ वो ट्रायल में जाएगा, उसके अलावा कोई भी ऑफेंस स्पेशल कोर्ट में ट्रायल में नहीं जाएगा, ये वाला आप रीड कर सकते हो। उसके बाद सर मेरे को एक बात बताओ, देखो सर ये लोग ना आजकल वो स्टैंडर्ड डायरेक्टर वायरेक्टर से इतने सारे एमसीक्यूज नहीं पूछ रहे, सारे पुराने सारे छोटे छोटे सेक्शन प्रोविजन से क्या पूछ रहे, एमसीक्यूज पूछ रहे। अब सर देखो क्या लिखा है, Which amongst the following में file an application for the restoration of the name of the company? आप अपना कंपनी का नाम अगर कट गया तो उसके restoration के लिए कौन फाइल करेगा इन द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज और कितने समय के अंदर फाइल करना पड़ेगा, बताओ सर? तो सर सुनो, यहाँ पे किसको फाइल करने का ऑप्शन दिया गया है, सर बताओ ना, एक बार क्वेश्चन पढ़ो और बताओ मेरे को। सर आपको प्रोविजन याद होगा सेक्शन 252, उसमें क्या लिखा हुआ है, रिस्टोरेशन के लिए कौन अप्लाई कर सकता है? आपको याद होगा अगर रजिस्ट्रार ने अपना नाम गलती, रजिस्ट्रार को लगता है कि नाम गलती से काट दिया तो रजिस्ट्रार उसको वापस रिस्टोर नहीं कर सकता, रजिस्ट्रार को एनसीएलटी को एप्लीकेशन देना पड़ेगा और 3 साल के अंदर एप्लीकेशन देके क्या करवा सकता है, रिस्टोर करवा सकता है। उसके बाद आप देख, उसके अलावा आप देखेंगे ना सर, कोई भी ऑप्शन का सेंस नहीं बनता, द कंपनी इटसेल्फ विद इन 2 years ऐसा कोई प्रोविजन ही नहीं है, द ऑथराइज्ड ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी विद इन 2 years नहीं सर, 20 साल है, एक 20 साल का प्रोविजन है कि अगर कोई अग्रीव पर्सन है तो वो 20 साल के अंदर एप्लीकेशन दे सकता है, एनसीएलटी एंड विद इन 3 years नहीं सर, एनसीएलटी को तो एप्लीकेशन जाएगा, तो सर एप्लीकेशन कौन देगा, रजिस्ट्रार देगा विद इन अ पीरियड ऑफ 3 years फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ डिसॉल्विंग द कंपनी, समझे सर? इसमें आपका नाम रिस्टोर हो सकता है। सर लास्ट वाला मेरे को एक पॉइंट बताओ, पॉलिटिकल पार्टी को अगर डोनेशन देना है तो न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी दे सकती है क्या? नहीं। कितने साल तक नहीं दे सकती? 3 साल तक नहीं दे सकती, इनकॉर्पोरेशन के 3 साल के बाद आप
पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन कर सकते हो, तो सर यहाँ पे एक कंपनी है वो 3 साल तक क्या नहीं करेगी, पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन नहीं देगी। समझे सर, प्रोविजन याद हो गया, आगे बढ़े। सर अभी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर वो डिस्कस करूंगा, बाकी प्रोविजन डिस्कस नहीं करूंगा, अपने पास टाइम की कमी बहुत ज्यादा है, मेरी बात सुनना सर। डिसाइड इन द लाइट ऑफ द कंपनीज एक्ट ऑन द फॉलोइंग प्रपोजल ऑफ लोन फॉर कंसिडरेशन बिफोर द ट्रूथ। मैं आपको बता दूं सर, लोन्स की बात हो रही है, ट्रूथ लिमिटेड करके एक कंपनी है, लोन अपने डायरेक्टर को देना चाहती है मिस्टर ए फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रेसिडेंशियल हाउस ऑन अ पर्सनल लोन, ठीक है, लोन टू मिस्टर बी फॉर इट्स एज इट्स होल टाइम डायरेक्टर। अच्छा, आप अपने होल टाइम डायरेक्टर को लोन देना चाहते हो। लोन टू एक्स लिमिटेड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस एंड द रेट प्रिस्क्राइब्ड इज नॉट लेस लेस देन बैंक रेट प्रिस्क्राइब बाय द रिजर्व बैंक। सर स्ट्रेट अवे पता चल रहा है सेक्शन 185 का क्वेश्चन है, पूरा लोन टू डायरेक्टर्स के कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन डाला है। आम तौर पे लोन टू डायरेक्टर्स और रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर्स और पार्टनर ऑफ रिलेटिव और डायरेक्टर, या आपको आप उनको लोन नहीं दोगे, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। तो पहला वाला ऑप्शन है सर, आप लोन नहीं दे सकते, पर सर आप मैनेजिंग डायरेक्टर और होल टाइम डायरेक्टर को दे सकते हो अगर एम्प्लॉयमेंट के पर्सुएंट में किसी स्कीम में आप दे रहे हो जिसमें बाकी लोगों को भी दे रहे हो, तो सर उस वजह से आप अपने होल टाइम डायरेक्टर को अगर देना चाहो तो दे सकते हो, या फिर कोई और स्कीम एसआर पास करवा के आप दे सकते हो उनको। और तीसरा, अगर एक्स लिमिटेड किसी कंपनी को लोन दे रहे हो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में दे रहे हो और अगर प्रेस्क्राइब रेट के अंदर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, काम चल जाएगा। सर पूरा पूरा सेक्शन 185 पे क्वेश्चन है, एक बार पॉज करके जा करके आंसर रीड कर लेना एनटीपी का, पूरा सेक्शन 185 पे क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद सर अपन ये वाला पॉइंट डिस्कस भी नहीं करेंगे, मैं आपको एक बार प्रोविजन बस याद दिला देता हूं। मेरे को बताओ सर 164 सबसेक्शन 2 याद है क्या? क्या है 164 सबसेक्शन 2? आपका डिस्क्वालिफिकेशन अगर कंपनी दो कांड करती है, पहला फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न इज नॉट फाइल्ड फॉर थ्री कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स, और दूसरा या फिर अगर आपने डिपॉजिट रीपे नहीं किया या उस पर इंटरेस्ट रीपे नहीं किया, डिबेंचर रिडीम नहीं किया या उस पर इंटरेस्ट पे नहीं किया, या अगर आपने डिक्लेयर डिविडेंड को 1 साल तक पे नहीं किया तो आपकी कंपनी के सारे डायरेक्टर्स डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। सर यहाँ पे कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है पर आपका डिविडेंड पे नहीं किया है, तो जो डायरेक्टर्स है वो किसी नई कंपनी में डायरेक्टर नहीं बन सकते और एग्जिस्टिंग कंपनी में रीअपॉइंट नहीं हो सकते, वही वाला प्रोविजन यहाँ पे लिखना है। आगे बढ़ो, तुमको पढ़ने की जरूरत नहीं है। सर ये नया क्वेश्चन है, यूनिक क्वेश्चन है, रेयरली आस्ट क्वेश्चन है, क्या लिखा है पढ़ो सर, एक बार पॉज करके पढ़ो, चलो मेरे साथ ही पढ़ लो, सुनो। मिस्टर टैलेंटेड वॉज अ डायरेक्टर इन अ होल्डिंग कंपनी एंड ऑल्सो इन अ सब्सिडरी कंपनी, ठीक है, आप होल्डिंग और सब्सिडरी दोनों कंपनी में डायरेक्टर थे। He was drawing his managerial remuneration from both the companies in the capacity as a director. अच्छा, दो अलग अलग कंपनी से मैनेजिंग डायरेक्टर मैनेजरियल रेम्यूनरेशन ले रहे हो। इट इज ब्रॉट टू द अटेंशन ऑफ द कंपनी दैट ही कैन नॉट ड्रॉ रेम्यूनरेशन फ्रॉम बोथ द कंपनीज बिकॉज ऑफ वर्च्यू ऑफ रिलेशन ऑफ होल्डिंग एंड सब्सिडरी। कोई ऐसा बोल रहा है कि भैया तू होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी दोनों से क्या नहीं ले सकता, रेम्यूनरेशन नहीं ले सकता। सर ऐसा एक पॉइंट था, अगर आपको याद होगा 197 सबसेक्शन 14 था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 13 या 14 होगा, 197 सबसेक्शन नहीं 13 14 है, 197 सबसेक्शन 14, उसमें अगर आप देखोगे तो लिखा हुआ था कि अगर आप एक कंपनी से मैनेजरियल रेम्यूनरेशन ले रहे हो तो आप उसके होल्डिंग या सब्सिडरी कंपनी से भी मैनेजरियल रेम्यूनरेशन ले सकते हो, पर आपको बोर्ड रिपोर्ट में डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि भैया मैं मैनेजरियल रेम्यूनरेशन होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी से ले रहा हूं, तो एक पॉइंट वो ध्यान रखना। दूसरा सर एक बार शेड्यूल 5 का चार्ट याद करो, शेड्यूल 5 में क्या लिखा था, जब तुम दो कंपनी से मैनेजरियल रेम्यूनरेशन ले रहे हो तो जो टोटल है उसका इट शुड नॉट एक्सीड द हाईएस्ट मैक्सिमम मैनेजरियल रेम्यूनरेशन दैट यू हैड रिसीव फ्रॉम द वन कंपनी, मतलब एक कंपनी से जितना मैक्सिमम मिलता है उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब सर अगर ए लिमिटेड से मैक्सिमम 10 करोड़ मिलता, बी लिमिटेड से मैक्सिमम 5 करोड़ मिल रहे हैं, तो सर अब आपको इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, ए लिमिटेड का 10 करोड़, तो आपको किसी भी हालत में ए और बी से मिला करके 10 करोड़ से ज्यादा नहीं मिलना चाहिए, वो प्रोविजन का भी ध्यान रखोगे। सर एक बार रुक करके के पॉइंट नंबर 2 का आंसर जरा प्लीज एक बार रीड कर लेना और फिर मेरे साथ आगे बढ़ना, प्लीज एक बार पॉज करके रीड कर लो इसका आंसर, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर आप सुनो, इन्होंने बाइंडिंग अप पे 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा है सर एग्जाम में, क्या पूछा है देखो, सिमर लिमिटेड वॉज इन द प्रोसेस ऑफ लिक्विडेशन, इट हैड सम करेस्पॉन्डेंस विद द ऑडिटर इन विच वॉज इन द कंपनीज लेटर हैंड, ठीक है, द ऑडिटर ऑब्जर्व दैट द लेटर हैड वॉज नॉट इन कंप्लाइंस ऑफ 344 एज इट डिड नॉट मेंशन द फैक्ट दैट द कंपनी वॉज बींग वाउंड अप, he immediately called up one of the directors and advised him the provision of 344 and the consequences of non compliance, state the provision regarding the consequences which the auditor would have advised. sir kya bol rahe hain, ek company winding up mein hai,
वो कंपनी के लेटर हेड में उन्होंने ये नहीं लिखा है कि कंपनी वाउंड अप है, सर क्या गड़बड़ किया है। हाँ सर अपने को नहीं पता, अपने को मैं पहली बार आपको बता रहा हूं, एक बार सुन दो और फिर प्रोविजन पढ़ लेना। आपका एक सेक्शन है 344, ये सेक्शन 344 क्या कहता है कि अगर एक कंपनी वाइंडिंग अप में जा रही है ना, उसके सारे बिल्स में, सारे लेटर हेड में, सारे इनवॉइसेस में, हर जगह आपको ये लिखना पड़ेगा एक स्टेटमेंट दैट द कंपनी इज बीइंग वाउंड अप। आपको ये स्टेटमेंट हर जगह पे लिखना पड़ेगा। अगर आप ये स्टेटमेंट नहीं लिख रहे हो ना, कंपनी और ऑफिसर इन डिफॉल्ट को फाइन लगेगा 50,000 रुपए से 3 लाख रुपए तक। तो सर अगर आपने ये स्टेटमेंट नहीं लिखा है तो आपको 50,000 से 3 लाख रुपए तक का फाइन लगेगा। उसी की बात यहां पे कर रहा है। ये सारी चीजें कहां लिखी है सर? सेक्शन 344 में। सर उसी पे क्वेश्चन है, तो स्टेट द प्रोविजन एंड कॉन्सिक्वेंसेस रिगार्डिंग विच ऑडिटर वुड हैव एडवाइस। प्रोविजन है सर 344, वो स्टेट करो और उसका आंसर लिखो। प्लीज एक बार जा करके आंसर रीड कर लो, मस्त आंसर है इसका। वाइंडिंग अप में क्या पता यही क्वेश्चन उठ करके आ जाए यार, अपने को क्या प्रॉब्लम है, पढ़ लेते हैं एक बार। ठीक है चलो सर आगे बढ़ते हैं। सर फिर क्या लिखा है? COVID-19 पैंडेमिक हैज बैडली अफेक्टेड, चल चल ठीक है, बकवास मत कर। रेस्ट्रिक्शन एंड फ्रीक्वेंट लॉकडाउन लेड टू परमानेंट क्लोजर ऑफ द कंपनीज ऑपरेशन। ठीक है, द सिक्योर क्रेडिटर ऑफ द कंपनी 50 लाख के फाइल फॉर वाइंडिंग अप पिटीशन विद द हाई कोर्ट एंड सब्सिक्वेंटली द हाई कोर्ट पास द वाइंडिंग अप ऑर्डर। हाई कोर्ट ने वाइंडिंग अप का ऑर्डर पास कर दिया है। द वर्कर्स ऑफ द कंपनी वर नॉट फेवरिंग दिस एंड हेंस फाइल्ड एन अपील अगेंस्ट द वाइंडिंग अप ऑर्डर। द वर्कमैन ड्यू वर 30 लाख रुपीज। वर्कमैन को 30 लाख मिलने और आपके सिक्योर क्रेडिटर को कितने मिलने? 50 लाख रुपए मिलने। हाई कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया था वाइंडिंग अप का, पर किसी ने अपील फाइल कर दिया। द सिक्योर क्रेडिटर वेयर अगेंस्ट दिस डिफेंडिंग दैट देयर ड्यूज वर मोर देन द वर्कमैन एंड हेंस नॉट वैलिड। अच्छा सिक्योर क्रेडिटर बोल रहे हैं मेरा ड्यूज वर्कमैन कॉम्पेंसेशन से ज्यादा है, तो इसलिए तुम लोग बकवास मत करो। अरे सिक्योर क्रेडिटर तू बकवास मत कर, याद कर वर्कर कॉम्पेंसेशन रैंक्स पारी पासू विद सिक्योर क्रेडिटर, तुम दोनों को एक साथ ही पेमेंट होगा, वरना तुमको पेमेंट ही नहीं होगा। फिर क्या लिखा है? इज द क्रेडिटर स्टेटमेंट करेक्ट एन्यूमरेट इन द लाइट ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। सर हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया था, हाईकोर्ट के ऑर्डर के ऊपर जाकर के अपील फाइल कर रहे हो क्या? आप अपील फाइल कर सकते हो। याद करो प्रोविजन क्या था, अगर वाइंडिंग अप का ऑर्डर पास हो गया है तो कोई भी नया सूट या प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूट नहीं होगा, और अगर कोई एग्जिस्टिंग सूट या प्रोसीडिंग है तो वो प्रोसीड नहीं होगा, सब कुछ पॉज पे आ जाएगा। पर सर याद रखना, अगर हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के पास ऑलरेडी फाइल किया हुआ कोई अपील है तो वो अपील कंटिन्यू होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर उसके अलावा कोई भी नया केस या सूट शुरू नहीं होगा। पर अगर करना है तुमको तो तुमको ट्राइब्यूनल का अप्रूवल लेना पड़ेगा, और जब तुम ट्राइब्यूनल का एप्लीकेशन अप्रूवल लेने के लिए एप्लीकेशन दोगे तो ट्राइब्यूनल आपको 60 डेज के अंदर अंदर अप्रूवल दे देगा। अगर उसने अप्रूवल दिया तब जाके तुम क्या कर सकते हो? अपील कर सकते हो या केस कर सकते हो। तो सर इस केस में दो चीजें लिखनी पड़ेगी आपको, एक तो ये कि तुम केस करने के लिए तुमको ट्राइब्यूनल का अप्रूवल लगेगा, और दूसरा तुमको ये भी लिखना पड़ेगा कि सिक्योर क्रेडिटर चुप हो जा, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन तेरे साथ पारी पासू रैंक करता है तो तू बकवास तो मत ही कर। ये दोनों प्रोविजन लिखने पड़ेंगे सर, एक बार मेरे साथ आंसर पढ़ लो। ये क्वेश्चन नंबर क्या है? ये क्वेश्चन नंबर 212 है। क्वेश्चन नंबर 2 ये वाला प्रोविजन है सर, ये देखो स्क्रीन पे क्या लिखा है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 279 ऑफ द कंपनीज एक्ट, वेयर अ वाइंडिंग अप ऑर्डर हैज बीन पास्ड और अ प्रोविजनल लिक्विडेटर हैज बीन अपॉइंटेड, नो सूट और अदर लीगल प्रोसीडिंग शैल बी कमेंस, ना तो शुरू होगा, और इफ पेंडिंग शैल बी प्रोसीडेड विद बाय और अगेंस्ट द कंपनी एक्सेप्ट विद द लीव ऑफ द ट्राइब्यूनल एंड सब्जेक्ट टू टर्म्स एंड कंडीशंस एज द ट्राइब्यूनल में इम्पोज। लीव ऑफ द ट्राइब्यूनल मतलब क्या? ट्राइब्यूनल का परमिशन लेके तुम क्या कर सकते हो? अपील फाइल कर सकते हो। प्रोवाइडेड दैट एनी एप्लीकेशन टू ट्राइब्यूनल सीकिंग लीव शैल बी डिस्पोज्ड विद इन 60 डेज। ट्राइब्यूनल आपको हाँ या ना 60 डेज के अंदर बता देगा। नथिंग इन दिस अबव शैल अप्लाई टू प्रोसीडिंग पेंडिंग इन अपील बिफोर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के पास अगर या सुप्रीम कोर्ट के पास अपील है तो वो नहीं रुकेगा, वो चलता जाएगा। उसके बाद क्या लिखा है सर? सेक्शन 23, 25, 26, 27 इन केस ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी द वर्कमैन ड्यू शैल बी इन प्रायोरिटी टू ऑल अदर डेट्स रैंकिंग पारी पासू विद द सिक्योर क्रेडिटर। बाकी सारे डेट से प्रायोरिटी रहेगा पर सिक्योर क्रेडिटर के साथ पारी पासू रहेगा। तो सर उस फैक्ट्स ऑफ केस के हिसाब से हाई कोर्ट हैज ऑलरेडी पास वाइंडिंग अप ऑर्डर, हेंस द वर्कमैन कैन अपील अगेंस्ट द वाइंडिंग अप ऑर्डर बट ओनली विद द लीव ऑफ द ट्राइब्यूनल। फर्दर ड्यूज ऑफ वर्कमैन विल रैंक पारी पासू विद द सिक्योर क्रेडिटर, हेंस इवन दो द डेट्स ऑफ सिक्योर क्रेडिटर आर मोर देन वर्कमैन ड्यूज प्रायोरिटी इज गिवन टू वर्कमैन ड्यूज एज पर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। तो सर समझे क्या? समझे क्या? कुल मिला के कह क्या रहे? 3-4 पॉइंट कह रहे हैं सर। पहला
तुम सूट्स नहीं इनिशिएट कर सकते। सूट्स इनिशिएट करना है तो तुमको ट्राइब्यूनल का परमिशन लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे बाइंडिंग आपका ऑर्डर पास हो गया। तुम अगर अपील करना चाहते हो तो आपको ट्राइब्यूनल का परमिशन लेना पड़ेगा। और दूसरी बात क्या है, वर्कमैन और सिक्योर्ड क्रेडिटर का ड्यूज पारी पासू होता है तो उसको इक्वल रैंकिंग में रखो, कोई कम नहीं है कोई ज्यादा नहीं है। समझे क्या सर? पक्का आगे बढ़े। ओके सर, फिर क्या लिखा है सर, क्राउन इंडस्ट्रियल कन्वेयर लिमिटेड हैज एडवांस अ लोन ऑफ 1 crore टू MN कंपनी प्राइवेट लिमिटेड हुज ऑफिस वाज फंक्शनिंग इन अ रेंटेड हाउस प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू एम द मैनेजिंग डायरेक्टर। अच्छा, एम द मैनेजिंग डायरेक्टर, ये क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन बैंक में भी है। एम द मैनेजिंग डायरेक्टर के, एम द मैनेजिंग डायरेक्टर जो है उसका एक रेंटेड प्रॉपर्टी है, वहां पे MN कंपनी प्राइवेट लिमिटेड काम कर रहे हैं। द लेंडिंग कंपनी इंटेंड्स टू अटैच द प्रॉपर्टी ऑफ मिस्टर एम एज लिक्विडेशन असेट and seeks your advice with regard to the position in the liquidation proceeding initiated under IBC. Sir, question se ye samajh hi nahi aa raha hai kiska liquidation proceeding hua hai. Sir, kiska liquidation proceeding hua hai samajh hi nahi aa raha hai. Ab sir dekho, individual ka to hoga nahi, hamare syllabus mein nahi hai. To maan lo MN company private limited ka hi hua hoga. Ab sir MN company private limited kya kar rahi hai? Sir, MN company private limited एक किराए के मकान में काम कर रही है, और वो किराया का मकान किसका है? मिस्टर एम का है। क्या आप उस मकान को अटैच कर सकते हो? सर याद करो, जब एक कंपनी लिक्विडेशन में जाती है तो एक स्टेट बनता है, क्या नाम है? लिया, लिक्विडेशन स्टेट असेट। लिक्विडेशन स्टेट असेट में याद करो, आप प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू थर्ड पार्टी अटैच नहीं करते हो, आप उसमें प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू थर्ड पार्टी को इंक्लूड नहीं करते हो। यहाँ पे ये जो प्रॉपर्टी है ये मिस्टर एम को बिलोंग करता है, मिस्टर एम अलग है, तो ये वाले प्रॉपर्टी को आप अपने प्रॉपर्टी में लिक्विडेशन स्टेट असेट में इंक्लूड नहीं करोगे, तो सर यहाँ पे वो उसको अटैच नहीं कर सकते। सर ये सारा चीजें आपके सेक्शन 36 में लिखा हुआ है, सेक्शन 36 ऑफ द लिक्विडेशन इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड। सर प्रोविजन याद है, समझ आ गया तो आगे बढ़ो, वरना एक बार रुक करके आंसर रीड कर लो। मैं आगे बढ़ रहा हूँ सर, सुनो। ड्राफ्ट अ बोर्ड रेजोल्यूशन फॉर द अप्रूवल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर। सर इससे ज्यादा हिंट ही आपको नहीं दे सकते कि इस बार के क्वेश्चन में एक ड्राफ्टिंग तो आने वाला है, तो सर ड्राफ्टिंग तो एक क्वेश्चन आने वाला है, तो ड्राफ्टिंग में एक बार सर पढ़ लो। ये लोग बोर्ड रेजोल्यूशन ड्राफ्ट करने बोल रहे हैं, कौन सा बोर्ड रेजोल्यूशन सर? फॉर इन्वेस्टिंग इन इक्विटी शेयर। अच्छा, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर मतलब इन्वेस्टमेंट की बात है, जो सेक्शन 186 जरूर आएगा। और सर आप बोर्ड रेजोल्यूशन पास कर रहे हो मतलब यूनानिमस पास कर रहे होगे, करेक्ट ना? तो सर इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स अगर आप पास कर रहे हो तो उसका बोर्ड रेजोल्यूशन क्या है पढ़ो, स्पेसिमेन बोर्ड रेजोल्यूशन। स्पेसिमेन मतलब क्या सर? सैंपल बोर्ड रेजोल्यूशन। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर रेजोल्यूशन पास्ड एट द मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द नेम ऑफ कंपनी हेल्ड एट इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड एट डैश ऑन डैश डे एट डैश एम। आपको सर जगह प्लेस टाइम और डे बताना पड़ेगा। उसके बाद रिजॉल्व्ड यूनानिमसली, ये वर्ड लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, रिजॉल्व्ड यूनानिमसली। जो भी प्रोविजन का ड्राफ्टिंग आएगा उस प्रोविजन के सेक्शन को जरूर याद करना, आपको यूनानिमसली रिजॉल्व करना है दैट पर्सुएंट टू प्रोविजन ऑफ सेक्शन 186 सबसेक्शन 2 द कंपनी इज हियर बाय ऑथराइज्ड टू इन्वेस्ट इन डैश इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज डैश ईच ऑफ ब्रेक्स एंड गेयर्स लिमिटेड द इन्वेस्टमेंट इन एडिशन टू अदर इन्वेस्टमेंट डेट टू डेट इन द एग्रीगेट बीइंग विदिन लिमिट्स। मतलब आप बोल रहे हो भैया ये सारे इन्वेस्टमेंट ना मिला करके बाकी इन्वेस्टमेंट के साथ मिला करके भी लिमिट के अंदर है। रिजॉल्व फर्दर दैट मिस्टर दिस द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इज हियर बाय ऑथराइज्ड टू साइन एंड एग्जीक्यूट द नेसेसरी डॉक्यूमेंट। सर ये स्टैंडर्ड लाइन है, ये हर जगह लिख देना कि मैनेजिंग डायरेक्टर को हम क्या कर रहे हैं, साइन करने का और डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट करने का पावर दे रहे हैं, एसडी मतलब सिग्नेचर बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर स्पीड साइकिल लिमिटेड। समझे इस तरीके का सर? और भी चाहो तो आप और भी प्रोविजन अगर याद आए तो आप लिख सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सर क्वेश्चन नंबर बी याद नहीं कर रहा हूं, रिवाइज नहीं कर रहा हूं, मेरे को एक बात सिंपल सी बात बताओ, कॉन्सेप्ट सर याद कर लेते। सिटिंग फीस का प्रोविजन याद है 197 सबसेक्शन 5। सर सिटिंग फीस जो है याद करो, किसी को भी 1 lakh rupees से ज्यादा नहीं मिलेगा, और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को और वुमेन डायरेक्टर को किसी से भी कम नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे सर अगर किसी को सिटिंग फीस ज्यादा मिल रहा होगा इंडिपेंडेंट और वुमेन डायरेक्टर से तो वो गलत होगा, उसके बेसिस पे प्रोविजन सॉल्व हो जाएगा, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी हमारे क्वेश्चन बैंक में भी है। आगे बढ़ते हैं सर। सर रेसिडेंशियल स्टेटस की बात करते हैं, फेमा की बात आ गई। देखो मिस्टर मिस मिलाप वाला क्वेश्चन है, क्या लिखा है सुनो। मिस मिलाप हैज रेसिडेड इन इंडिया फॉर 182 डेज आउच फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1920। कितनी होशियारी मार रहे हैं सर, रेसिडेंशियल स्टेटस के लिए आपको मोर देन 182 डेज स्टे होता है। फाइनेंशियल ईयर 1920 में ये 182 डेज के लिए स्टे कर रहा है। शी वेंट टू यूके ऑन 1 April 2020 एंड रिटर्न टू इंडिया ऑन 1 July 2021। मतलब सर देखो ये 1920 है, यहाँ पे 182 डेज के लिए स्टे किया,
उसके बाद 2021 में इंडिया के बाहर चला गया, पूरा साल यूके में था, फिर 1 जुलाई को इंडिया आया, 1 जुलाई को इंडिया आया फॉर एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट फॉर 1 ईयर, एक साल के लिए एम्प्लॉयमेंट के लिए आया, शी कंप्लीटेड हर कॉन्ट्रैक्ट एंड इमीडिएटली लेफ्ट इंडिया। तो सर फेमा के हिसाब से बताओ उसका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होगा फॉर ईयर 2020-21? सर देखो ईयर 2020-21 में सबसे पहली बात, क्या पिछले साल 182 डेज से ज्यादा स्टे किए थे? नहीं सर, एग्जैक्ट 182 डेज स्टे किए थे। और इस साल क्या इंडिया में है? नहीं, इस साल तो इंडिया के बाहर चले गए, यूके चले गए, और ये मान लो आपकी यूके एम्प्लॉयमेंट के लिए या बिजनेस के लिए चले गए, तो सर उस केस में इस साल आपको क्या माना जाएगा? आपको PROI ही माना जाएगा, पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया ही माना जाएगा। उसके बाद सर अगले साल आप 1 जुलाई 2021 को वापस आए इंडिया। क्यों वापस आए? आप एम्प्लॉयमेंट के लिए आए। तो सर अगर आप एम्प्लॉयमेंट के लिए वापस आते हो ना, तो इररेस्पेक्टिव ऑफ योर नंबर ऑफ डेज इन ऑफ स्टे इन इंडिया, इररेस्पेक्टिव ऑफ योर नंबर ऑफ डेज ऑफ स्टे इन इंडिया, आप भले 182 डेज से ज्यादा रहे हो या कम रहे हो, हमको फर्क नहीं पड़ता, अगर आप इंडिया एम्प्लॉयमेंट के लिए आए हो तो आपको PRI माना जाएगा। इस केस में आप इंडिया एम्प्लॉयमेंट के लिए आए हो? हाँ सर बिल्कुल एम्प्लॉयमेंट के लिए आए हो, तो आपको 1 जुलाई ऑनवर्ड्स क्या माना जाएगा? PRI माना जाएगा। 1 जुलाई के पहले PROI थे, 1 जुलाई के बाद PRI थे। सर ये फाइनल आंसर है। इंस्टीट्यूट ने अपने आंसर में यहाँ पे PROI लिखा है, इंस्टीट्यूट का आंसर गलत है सर। तो हम क्या करें सर? मच जाए, सुनो कुछ नहीं करना है। अगर ये सेम क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा ना, सेम क्वेश्चन, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं आपको ये बोलने के अलावा कि अगर सेम क्वेश्चन आएगा ना दोस्त, तो चुपचाप इंस्टीट्यूट का आंसर लिख के आ जाना कि PROI है। क्यों? क्योंकि पिछले साल 182 डेज से ज्यादा स्टे नहीं किया है। पर सर अगर इसके अलावा कोई नया क्वेश्चन आया ना पेमा पे, तो लॉजिक्स क्लियर रखो। अगर आप पिछले साल 182 डेज से ज्यादा स्टे किए हो, तो करेंट ईयर में आप क्या हो? PRI हो। पर अगर आप करेंट ईयर में इंडिया के बाहर 3 पर्पस के लिए चले गए, तो आप PROI हो जाओगे। पर अगर पिछले साल आप 182 डेज से ज्यादा नहीं स्टे किए हो, पर करेंट ईयर में अगर इंडिया आ रहे हो 3 पर्पस के लिए, तो आपको फिर भी PRI माना जाएगा। सर ये फाइनल कंक्लूजन है। पर अगर ये सेम क्वेश्चन आएगा ना दोस्त, मैं आपको कुछ नहीं कह सकता, इंस्टीट्यूट का ही आंसर लिख के आना होगा अगर सेम क्वेश्चन आए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। सर उसके बाद एक फॉरेन कंपनी पे क्वेश्चन है, अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन फ्रांस विथ लिमिटेड लाइबिलिटी, ठीक है लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी है, एस्टैब्लिश्ड एन ऑफिस इन बरोडा एंड स्टार्टेड कंडक्टिंग बिजनेस एक्टिविटी फ्रॉम इट्स प्लेस ऑफ बिजनेस, ठीक है सर, इन कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 382, बहुत रेयरली आस्क्ड क्वेश्चन है यार ये, 382 बहुत कम आता है, द कंपनीज एक्ट 2013, इट कॉन्स्पिशियसली एग्जिबिटेड अ नेम बोर्ड आउटसाइड इट्स ऑफिस विद द नेम ऑफ इट्स कंपनी इन इंग्लिश एंड ब्लॉक लेटर्स। अच्छा आपने अपनी कंपनी का नाम इंग्लिश में दिया, पर सर आपको अपनी कंपनी का नाम लोकल लैंग्वेज में भी देना है। इन 3 डेज द कंपनी रिसीव्ड अ नोटिस फ्रॉम रजिस्ट्रार स्टेटिंग दैट इट हैज नॉट प्रॉपरली कंप्लाइड विद 382, मेंशन द एरिया ऑफ लैप्सेस ऑफ द फॉरेन कंपनी विच वुड हैव बीन मेंशन्ड इन द नोटिस। ये बोल रहे हैं जो नोटिस आया होगा उसमें क्या लिखा है तुम बताओ? अरे जो नोटिस आया होगा उसमें क्या लिखा है तुमको कैसे बता? पर फिर भी सर आपको लिखना पड़ेगा 382 के बारे में। 382 क्या कहता है सर? 382 ये कहता है अगर आप एक फॉरेन कंपनी हो और अगर इंडिया में आपका प्लेस ऑफ बिजनेस है ना, तो जहां पे आपका प्लेस ऑफ बिजनेस है, जहां पे आपका प्लेस ऑफ बिजनेस है उसके बाहर ऑफिस लगाओगे, ऑफिस में क्लियरली अपने कंपनी का नाम बताओगे और इंग्लिश में भी बताओगे और लोकल लैंग्वेज में भी बताओगे। लोकल लैंग्वेज मतलब क्या? जो बरोड़ा का लैंग्वेज है। साथ में आप अपना कंट्री ऑफ इनकॉर्पोरेशन भी बताओगे। कंट्री ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या हो गया? फ्रांस हो गया, तो कंट्री ऑफ इनकॉर्पोरेशन भी बताओगे। और तो और सुनो सर, आप एक लिमिटेड कंपनी हो, तो लिमिटेड कंपनी हो ऐसा भी आपको बड़े बड़े अक्षरों में लिखना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा दैट द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज लिमिटेड, ये भी आपको लिखना होगा। तो शायद ये भी आपने नहीं लिखा है, वही सारी चीजें कहां पे लिखी होगी? रजिस्ट्रार में लिखी होगी। आई वुड सजेस्ट एक बार रुक करके ये आंसर रीड कर लो, ठीक है, एक बार रुक करके ये आंसर डिलीट कर लो, सारे प्रोविजन अगर उठ करके आ गए तो मजा आ जाएगा एग्जाम में लिखने के लिए। ठीक है आगे बढ़ते हैं सर। सुनो, जैकपॉट लिमिटेड अ कंपनी, जैकपॉट लिमिटेड अ पब्लिक कंपनी विद 7 डायरेक्टर्स, हैड नॉट फाइल्ड एनुअल रिटर्न एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर 2 consecutive फाइनेंशियल ईयर, द रजिस्ट्रार After required formalities, enter the name in the register maintained for dormant company. आपका नाम dormant company के register में डाल दिया, ठीक है। आपके company में कितने directors थे? 7 directors थे। One of the directors suggested that since the company is now registered as a dormant company, the company need not have 7 directors and having 1 or maximum 2 directors would suffice. क्या आप पागल है क्या भाई? कौन सी कंपनी है सर ये? जैकपॉट लिमिटेड एक पब्लिक कंपनी है,
तो याद करो, अगर आप डोरमेंट कंपनी भी हो जाते हो ना, तो पब्लिक में मिनिमम 3 डायरेक्टर तो चाहिए ही होते हैं। एक या मैक्सिमम 2 से काम नहीं चलेगा। फॉलोइंग इज एडवाइस, 5 डायरेक्टर्स रिजाइन। वाह मजे। एंड द कंपनी वॉज लेफ्ट विथ ओनली 2 डायरेक्टर्स। भाई बहुत गलत किया, 2 डायरेक्टर से कुछ नहीं होगा, तेरे को 3 डायरेक्टर मिनिमम चाहिए। द एग्जिस्टिंग 2 डायरेक्टर डिड नॉट फाइल एनी स्टेटमेंट विद द रजिस्ट्रार रिगार्डिंग चेंज ऑफ डायरेक्टर। सर ये सीधा सीधा 2 पॉइंट लिखा है डोरमेंट कंपनी के बारे में। आपको अगर याद होगा तो डोरमेंट कंपनी में मिनिमम, पब्लिक कंपनी में मिनिमम 3 डायरेक्टर चाहिए होते, और दूसरा उनको रजिस्ट्रार को कुछ चीजें फाइल करनी होती है, जिसे उनके डायरेक्टर में अगर कोई चेंजेस हुआ है तो वो डॉक्यूमेंट उनको फाइल करना पड़ेगा। ये वाली चीज उनको फाइल करके बतानी पड़ेगी। अगर इन्होंने नहीं किया है तो इन्होंने कॉन्ट्रावेंशन किया है। सर ये सेक्शन 455 पे क्वेश्चन है, प्लीज इसको रीड कर लो। सर देखो ना कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहे, 382 का क्वेश्चन पूछ रहे, डोरमेंट कंपनी में घुस करके क्वेश्चन पूछ रहे। अब तुम समझ लो भैया, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे एग्जाम के पहले, जब रिविजन करेंगे सारी चीजें अगर छू रहे तो पूरा छूएंगे, वरना पूरा डोरमेंट कंपनी पहले छोड़ देंगे, लेकिन पहले से आखिरी पेज तक पढ़ेंगे अगर डोरमेंट कंपनी पढ़ रहे हैं तो। ठीक है चलो सर आगे मेरे साथ समझो, वो 455 का प्रोविजन है, पढ़ लेना एक बार आंसर, प्लीज रीड कर लो पॉज करके। अब मेरी बात सुनो दोस्तों, सर हिल लिमिटेड एक पब्लिक कंपनी है जिसने एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग लिया है ऑन 2 जुलाई, बेस्ड ऑन म्यूचुअल कंसेंट ऑफ द पार्टी ईसीबी इज फुल्ली कन्वर्टेड इनटू इक्विटी। सर ये क्वेश्चन पहले देखा हुआ है, ये क्वेश्चन में क्या हुआ है, ईसीबी को इक्विटी में कन्वर्ट किया है। द शेयर्स वेर कन्वर्टेड एट द पार वैल्यू, ओ एंड नॉट फेयर वैल्यू। सर ईसीबी कन्वर्ट कौन से वैल्यू पे होता है देखते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड द करेक्ट लीगल पोजिशन रिगार्डिंग वैल्यूएशन ऑफ द शेयर्स एंड स्टेट द रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट बाई हिल लिमिटेड और एट द टाइम ऑफ कन्वर्जन। तो सर सिंपल है, आप अगर ईसीबी को इक्विटी में कन्वर्ट कर रहे हो, सबसे पहले रेट ऑफ कन्वर्जन क्या लोगे, रेट उस दिन का लोगे जिस दिन कन्वर्जन हो रहा है, या उससे कम का रेट लोगे अगर लेंडर के साथ अग्री हो रहा है तो वो रेट ऑफ कन्वर्जन लोगे। और दूसरा कन्वर्जन जो होगा इक्विटी का फेयर वैल्यू पे होगा, फेयर वैल्यू एज ऑन डेट ऑफ कन्वर्जन, पार पे नहीं होगा फेयर वैल्यू पे होगा। यहाँ पे इन्होंने पार वैल्यू पे किया वो गलत है, कन्वर्जन फेयर वैल्यू पे होगा पहली चीज। दूसरी चीज सर आपको क्या रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट करना पड़ेगा, एक तो आपको FCGPR करना पड़ेगा, FCGPR का फाइलिंग करना पड़ेगा, और दूसरा आई थिंक आपको DSIM को, डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इन्फॉर्मेशन को, आपको एक और भी फॉर्म भेजना पड़ेगा, फॉर्म ECP2 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक बार चेक कर लेना, ये आपका रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट होगा जब आप इक्विटी एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग को इक्विटी में कन्वर्ट कर रहे हो। ठीक है आगे चलो सर, वेदर डोनेशन गिवन बाय नॉन रेसिडेंट इंडिया इज ट्रीटेड एज फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन। नहीं सर, NRI से जो डोनेशन आता है उसको फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं माना जाता है, ये हमने क्लास में भी चिल्ला चिल्ला के डिस्कस किया है, NRI से आने वाला पैसा फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं माना जाता है बिल्कुल भी। वेदर फॉरेन रेमिटेंस रिसीव फ्रॉम रिलेटिव आर टू बी ट्रीटेड एज फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन। नहीं सर, अगर आपको रिलेटिव से पैसा आ रहा है उसको फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं मानेंगे, पर हाँ अगर 1 लाख से ज्यादा का फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन है, 1 लाख और इक्विवेलेंट, मतलब अगर रुपीज में आया तो 1 लाख, या उसका इक्विवेलेंट कोई और करेंसी में अगर आया है उससे ज्यादा अगर आया है, तो आपको FC1 फाइल करना पड़ेगा। FC1 फाइल करके आपको गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा कि मेरे को मेरे रिलेटिव से पैसा मिल गया है, तो सर ये कंप्लायंस है बस, पर फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं माना जाएगा, 1 लाख रुपए तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर आगे इन्होंने क्या लिखा है पढ़ो, सर क्वेश्चन नंबर 5A पढ़ो अभी। सर पॉज करके एक बार क्वेश्चन नंबर 5A पढ़ो, फिर उसके बाद मैं आंसर डिस्कस करता हूं। सर क्या किया ट्राइब्यूनल ने, ट्राइब्यूनल ने एक स्कीम अप्रूव किया था, उसके बाद वो स्कीम को मॉडिफाई कर दिया, और मॉडिफाई करने के बाद भी उसको लगा सैटिस्फैक्टरीली इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, तो उसने क्या कर दिया, बाइंडिंग अप का ऑर्डर कर दिया। उसमें अभी एक डायरेक्टर भड़क गया, तो क्या सर डायरेक्टर का भड़कना सही है, बिल्कुल भी सही नहीं है। सर याद करो सेक्शन 231, 231 क्या बोलता है, ट्राइब्यूनल के पास पावर है कि वो सुपरवाइज करेगा स्कीम का इंप्लीमेंटेशन, अब अगर उसको कभी भी लगता है तो वो मॉडिफिकेशन कर देगा स्कीम में, क्या कर देगा मॉडिफिकेशन, मतलब क्या चेंजेस कर देगा स्कीम में। अगर मॉडिफिकेशन के बाद भी उसको लगता है स्कीम को सैटिस्फैक्टरीली इंप्लीमेंट नहीं कर सकते तो वो क्या करेगा, अगर उसको लगता है सैटिस्फैक्टरीली अगर उसको लगता है टू द सैटिस्फैक्शन आप उसको इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, तो वो आपकी स्कीम को कैंसिल करेगा और आपको बाइंडिंग अप का ऑर्डर दे देगा। वही चीज यहाँ पे हुई है सर, कोई कॉन्ट्रावेंशन नहीं हुआ है, कितने समय बाद सेक्शन 231 पे क्वेश्चन देखने मिला, ये लोग डरा रहे हैं सर मेरे को तो।
मेरे को तो डरा रहे हैं सर, आपको भी डरा रहे हैं मेरे को पता है, एक बार कोई बात नहीं, रख हौसला, कर हर मैदान फतेह, यही सब गाना सुनो, अभी पार हो जाएगा हमारा एग्जाम। सुनो बस कुछ ही समय की बात है, फिर उसके बाद एग्जाम खत्म। मेरी बात सुनो सर, आगे बढ़ते हैं। सर क्या क्वेश्चन बनाया है इन्होंने, सर क्या घुस करके क्वेश्चन बनाया है, देखो ना यार, मतलब पीछा ही नहीं छोड़ रहे यार। पढ़ो क्या क्वेश्चन, एक बार पॉज करके पढ़ो सर, क्या क्वेश्चन है, चलो मेरे साथ पढ़ो। ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ बीफ प्राइवेट लिमिटेड, एक कंपनी है, फॉर द फाइनेंशियल ईयर, उसका पेड अप शेयर कैपिटल है, पीएनएल, बोरिंग और करेंट लाइबिलिटी, नो अदर बॉडी कॉर्पोरेट हैज इन्वेस्टेड इन द मनी इन द शेयर कैपिटल। अच्छा ये वो प्राइवेट कंपनी के 3 एक्सेप्शन वाले पे जा रहा। द कंपनी हैज नॉट डिफॉल्टेड इन द रीपेमेंट ऑफ अबव बोरिंग। अच्छा मतलब क्या कोई बॉडी कॉर्पोरेट भी इन्वेस्टेड नहीं है, मतलब आप किसी के एसोसिएट या सब्सिडरी नहीं हो, और दूसरा आपने क्या नहीं किया है, रिपेमेंट में कोई डिफॉल्ट भी नहीं किया है, और सर अगर आपकी अगर बोरोइंग एक लिमिट से कम होती है तो आप एक तरह के प्राइवेट कंपनी बन जाते हो जिनको कोई बेनिफिट मिलता है। अब देखते हैं सर कौन से सेक्शन की बात कर रहा है। द कंपनी हैज ऑल्सो नॉट कमिटेड डिफॉल्ट इन फाइलिंग द एनुअल रिटर्न और द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। उसके बाद सर द कंपनी प्रपोजेस टू प्रोवाइड अ लोन ऑफ 50 लाख टू इट्स डायरेक्टर मिस्टर बी। डायरेक्टर को लोन देने की बात कर रहे हो, हु इज इन डायर नीड ऑफ द फंड्स फॉर हिज डॉटर्स एजुकेशन। एनदर डायरेक्टर मिस्टर एल कंटेंडेड दैट द लोन शेल नॉट बी प्रोवाइडेड बाई द कंपनी टू मिस्टर बी ड्यू टू रेस्ट्रिक्शन इम्पोज बाई द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट। मिस्टर बी ऑन द अदर हैंड इज ऑफ द ओपिनियन दैट इट बीइंग अ प्राइवेट कंपनी द रेस्ट्रिक्शंस आर नॉट एप्लीकेबल, एनालाइजिंग एंड रेफरिंग टू द प्रोविजन। बताओ सर, एक डायरेक्टर बोल रहे हैं मेरे को लोन दे दे, तो प्राइवेट कंपनी है तेरे को ये लोन टू डायरेक्टर्स, सेक्शन 185 का क्वेश्चन है सर। दूसरा क्वेश्चन एक ही एमटीपी में सेक्शन 185 का, सर ये बोल रहा है लोन टू डायरेक्टर एप्लीकेबल नहीं होगा। सर मिस्टर बी बोल रहा है लोन टू डायरेक्टर का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है, तो एक्सेप्शन में आता है, तो प्राइवेट कंपनी है। पर मिस्टर एल बोल रहे हैं नहीं, तू एक्सेप्शन में नहीं आएगा। सर मेरे को एक बात बताओ, एक कंपनी के अपने डायरेक्टर को लोन दे सकती है, बिल्कुल भी नहीं, आप स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड हो, पर एक्सेप्शन में आता है प्राइवेट कंपनी अगर 3 कंडीशन मीट करे, आप किसी और के बॉडी को किसी और के एसोसिएट या सब्सिडरी नहीं हो, दूसरा अगर आपकी बोरोइंग इज लेस देन 2 टाइम्स ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल और 50 करोड़ विच एवर इज लोअर, एंड तीसरा आपने बोरोइंग में कोई भी डिफॉल्ट नहीं किया है, और ये प्राइवेट कंपनी अगर 92 और 137 सेक्शन का कंप्लाइंस करती है, तब प्राइवेट कंपनी बच जाती है। यहाँ पे क्या हुआ है सर, आपके बोरोइंग्स को देखते हैं, आपका बोरोइंग्स यहाँ पे 49 करोड़ है, 49 करोड़ है, और आपका पेड अप शेयर कैपिटल कितना है, 20 करोड़, तो 20 करोड़ का डबल हो गया 40 करोड़, 40 करोड़ और 50 करोड़ विच एवर इज लोअर, मतलब आपका 40 करोड़ लोअर हो गया, पर आपका बोरोइंग तो 40 करोड़ से बहुत ज्यादा है, तो भैया आपको वो प्राइवेट कंपनी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। भले आप किसी और बॉडी कॉर्पोरेट के इन्वेस्टमेंट नहीं ले रखे हो, भले आपने अपना लोन का डिफॉल्ट नहीं किया है, पर आपकी बोरोइंग एक लिमिट से ज्यादा है, तो आपको प्राइवेट कंपनी तो हो पर आपको वो बेनिफिट नहीं मिलेगा, मतलब आपको लोन टू डायरेक्टर का प्रोविजन लगेगा, मतलब मिस्टर बी को लोन नहीं दे सकते। सर समझे क्या कुछ, चलो सर आगे बढ़ते हैं। सर उसके बाद आर्बिट्रेशन का एक क्वेश्चन है, मैं आप लोग रीड कर लो, मैं आपके साथ बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, आप लोग पॉज करके एक बार रीड कर लो, फिर मैं आपके साथ आंसर डिस्कस करता हूं। पहला लिखा हुआ क्या है, P1 रेफर्ड द मैटर, आप एक बार पॉज करो, प्ले सुनो, P1 रेफर्ड द मैटर टू कोर्ट, वेयर इज P2 इन्फॉर्म द कोर्ट दैट देयर इज एन अग्रीमेंट टू रेफर टू आर्बिट्रेशन। सर अगर आपने आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट में एंटर किया है, तो यूनिलैटरली कोई भी पार्टी लिटिगेशन के लिए नहीं जा सकती, कोर्ट में नहीं जा सकती। अगर वो चले गई कोर्ट में और दूसरे पार्टी ने अगर इन्फॉर्म कर दिया कि कोर्ट आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट है, तो कोर्ट जो है आपको आर्बिट्रेटर को रेफर कर देगा, तो इस केस में सर आपको ना कोर्ट आपकी बात नहीं सुनेगा, आपको एक आर्बिट्रेटर को रेफर कर दिया जाएगा। व्हाट विल बी द व्हाट व्यू द जुडिशियल अथॉरिटी विल टेक इन दिस मैटर, द जुडिशियल अथॉरिटी विल सेंड यू टू एन आर्बिट्रेटर। सेकेंड, इन द आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट देर वॉज नो मेंशन ऑफ द नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर, वेदर द पार्टीज टू द डिस्प्यूट कैन डिटरमाइन, हाँ सर पार्टीज टू द डिस्प्यूट डिटरमाइन करेंगे, पर एक चीज याद रखना, नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर इवन नंबर नहीं होता, यूजुअली ऑड नंबर रहता है, तो इवन नंबर मत रखना, उसके अलावा कुछ भी रख लेना। सर उसके बाद जो क्वेश्चन है हमारे, दो क्वेश्चन सेबी एक्ट के हैं, दोनों क्वेश्चन सेबी एक्ट भी नहीं, इनफैक्ट मैं कहूंगा एक सेबी एक्ट का है, एक सेबी एलओडीआर का है, दोनों क्वेश्चन आपके दिसंबर 2021 में आया था और आपके क्वेश्चन बैंक में भी है, तो इसको मैं फिलहाल डिस्कस नहीं कर रहा हूं, इसका आंसर बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अगर आपने क्वेश्चन बैंक नहीं किए हैं या अगर आपने सेबी एक्ट के क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं किए तो एक बार कर लेना। सर क्वेश्चन नंबर सी भी कोई खास नहीं है, रिपीट क्वेश्चन ही है। पहला क्वेश्चन अगर आप देखोगे, टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन ऑफ सीआईआरपी कितने समय में खत्म होता है सर, 180 दिन में खत्म होता है, उसके अलावा 90 डेज का एक्सटेंशन मिल सकता है, पर मैक्सिमम 330 डेज के ऊपर किसी भी हालत में नहीं जा सकता, इंक्लूडिंग ऑल द लिटिगेशन एंड एवरीथिंग।
उसके बाद सर मेरे को बताओ, लास्ट क्वेश्चन जो है ना, इन्होंने पीएमएलए के अपील के बारे में बोला। अगर पीएमएलए में एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने कोई ऑर्डर दिया तो अपील फाइल कर सकते हो। हाँ, आप इसका अपील जो है अपेलेट ट्रिब्यूनल में फाइल कर सकते हो, और अपेलेट ट्रिब्यूनल के ऑर्डर के अगेंस्ट अपील भी आप हाई कोर्ट में फाइल कर सकते हो। इस तरह का कोई प्रोविजन था सर। ये प्रोविजन, अगर आपको अपील का कॉन्सेप्ट का क्लैरिटी नहीं है, एक बार रीड कर लो। ये पूरा का पूरा आपका एमटीपी था सर, बहुत खतरनाक एमटीपी था। मैं ये नहीं बोलूंगा आसान था, सारे क्वेश्चन इजी होते हुए भी इजी नहीं थे। क्यों? क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा फोकस करते हैं चैप्टर्स लाइक डायरेक्टर्स, आईबीसी, पर ये लोग एनसीएलटी, वाइंडिंग अप, और ये सारे चैप्टर में रिमूवल ऑफ कंपनी, रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी, डोरमेंट कंपनी, ये सब पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो इस बार का एग्जाम में पेपर जो आएगा वो भी इस तरह का मिक्स एंड मर्ज आएगा। तो मेक श्योर दैट यू आर नॉट लीविंग एनी टॉपिक्स गाइस, प्लीज एब्सोल्युटली मेक श्योर दैट यू आर नॉट लीविंग अ सिंगल टॉपिक। लीव नो स्टोन अनटर्न्ड इज द मोटो फॉर दिस टाइम। ओके, चलो गाइस, आई होप दिस सेशन वॉज हेल्पफुल फॉर यू। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन डू मेक श्योर यू क्लिक ऑन द, अगर आपको एमटीपी टू पे भी इसी तरह का वीडियो चाहिए तो मेरे को कमेंट में बता देना, मैं एमटीपी टू पे भी इसी तरह का वीडियो बहुत जल्द से जल्द ले आऊंगा, ताकि आप लोगों का ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। थैंक्स अ लॉट गाइस, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, सी यू।